दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डीआर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, DSSSB के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेशन जारी हुई है। PGT हिंदी फीमेल पोस्ट कोड है 69/20 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया DSSSB ने, और आशा करते हैं जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं वो भी जल्दी ही जारी कर देगा DSSSB। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी PGT हिंदी फीमेल यानी 69/20 पोस्ट कोड के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रही है, कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उस मिनिमम कट ऑफ को क्लियर किया है, ई डोजर कितने कैंडिडेट्स फिल करेंगे और ई डोजर कब से लेकर के कब तक फिल किए जाएंगे, उस पर विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि DSSSB से जुड़ी हुई जितने भी लेटेस्ट अपडेशन है, इन्फॉर्मेशन है, वो रेगुलरली आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। देखिए, आप जैसे ही आप लेटेस्ट रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिल जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 3rd and 4th July 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ PGT हिंदी फीमेल। पोस्ट कोड है 69/20 एंड अपलोडिंग ई डोजर से रिलेटेड ये ऑफिशियल नोटिस है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक PDF का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस PDF पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसी PDF निकल करके आएगी। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट मेंशन की गई है। सब्जेक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि जो एग्जाम 3 और 4 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था DSSSB के द्वारा, पोस्ट है PGT हिंदी फीमेल की, पोस्ट कोड है 69/20 और यहाँ पे बताया गया कि टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 91 यानी 91 इसमें वैकेंसीज हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे बांटी गई हैं। ठीक है, बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,434 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्जाम में अपीयर हुए। इसमें से जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस एग्जाम का जो आप कह सकते हैं या तो ये जो कट ऑफ क्लियर मतलब जारी किए DSSSB ने इसको क्लियर कर लिया है या फिर इसके इक्वल जो मार्क्स लिए हैं वो कितने कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,434 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से जिन कैंडिडेट्स को ई डोजर है वो फिल करना है तो वो हैं 218 कैंडिडेट्स। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रही है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आउट ऑफ 300 मार्क्स EWS कैटेगरी की है 182.07, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है 191.50, OBC कैटेगरी की है 187.13, SC की है 177.02, SC की है 164.57, PHOS की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ दी गई है 167.05 एंड PHVS की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ दी हुई है 142.68। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ई डोजर है वो कब से लेकर कब तक फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि 15 दिन का आपको समय मिला है, 21 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में आप अपने जो ई डोजर है फिल कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स का ई डोजर लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, आप अपनी प्रोफाइल पे आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके। आप अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो, जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते हैं, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी OARS वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, इस लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपना जो साइन इन है वो कर सकते हैं, साइन इन वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स हैं वो मेंशन करके साइन इन कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ऑप्शन बहुत सारे होते हैं जिसमें से रिजल्ट का भी एक ऑप्शन आता है, तो आप अपने मार्क्स हैं वो भी देख सकते हैं कितने आपने अचीव किए हैं, उसके हिसाब से अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर दी है या उससे ज़्यादा नंबर है तो आप के जो ई डोजर लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएंगे अपनी अपनी प्रोफाइल पे। लिंक कब से लेके कब तक एक्टिवेट रहेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर के बीच में जो आपके जो ई डोजर लिंक है वो एक्टिवेट रहेंगे अपनी अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपडेशन थी जो आपके शेयर करनी थी। तो दोस्तों मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।